गाइज वेलकम बैक। और यहाँ पे हमारे पास है अमेज़फिट बीपीयू प्रो। और भाई आप इसे प्रो बोलो या तो फिर बीपीयू बोलो, ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे आपको मिल जाता है। इनफैक्ट बीपीयू जो है भाई मुझे यहाँ पे बेटर लगता है बीपीयू प्रो से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है बीपीयू प्रो। और भाई सेकंड जो इसका कंप्यूटर है वो है बोट वॉच एक्सटेंड, और जो जस्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और देखेंगे यहाँ पे दोनों में से कौन सा सही रहता है आपके लिए। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जाके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजा हियर, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक, एंड लेट्स स्टार्ट दिस कंपटीशन। तो दोस्तों प्राइस जो है बोट एक्सटेंड का वो है 3000 रुपीज़, और ये अवेलेबल है अमेजोन एंड बोट के वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे अमेज़फिट बीपीयू का प्राइस है 5000 रुपीज़। तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है दोनों के प्राइस में। अनबॉक्सिंग में से दोनों में यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच, चार्जिंग केबल, 1 ईयर वारंटी कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है। दोनों में से किसी में भी एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स नहीं मिलते हैं। तो बोट वॉच एक्सटेंड कुछ ऐसा दिखेगा जब आप उसे वियर करोगे ऑन योर हैंड, एंड अमेज़फिट बीपीयू प्रो कुछ ऐसा दिखेगा जब आप उसे वियर करोगे ऑन योर हैंड। तो जो डायल का साइज है ऑलमोस्ट थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा बोट का, लेकिन डिस्प्ले के अंदर काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे मुझे बोट जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा लुक के अंदर। 1.28 इंच की डिस्प्ले मिलती है अमेज़फिट बीपीयू में विथ गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन एंड एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग। यहाँ पे बोर्ड के अंदर भाई ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, सिंपल 1.69 इंच का LCD डिस्प्ले मिल जाता है। जब हमने यहाँ पे सेम टू सेम वॉलपेपर सेट किया तो आपको पता चलेगा कि बीजल जो है भाई काफ़ी स्मॉल है और काफ़ी ह्यूज डिस्प्ले है बोट वॉच एक्सटेंड की। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा बोट को। अगर बात करें यहाँ पे भाई बिल्ड क्वालिटी में तो भी यहाँ पे मुझे बोट अच्छा लगा। यहाँ पे आपको मेटालिक फ्रेम मिलती है जो मिसिंग है अमेज़फिट बीपीयू में, पूरा ही प्लास्टिक मटेरियल है। और दोनों के अंदर क्राउन बटन एंड होल मिल जाता है फॉर द अलेक्सा एक्सेस। अच्छे वाले स्ट्रैप्स दोनों के अंदर ही मिल जाते हैं। पीछे हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर एंड चार्जिंग डॉट्स। अगर बात करें यहाँ पे ब्राइटनेस की तो भाई दोनों के अंदर आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बोट के अंदर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, यानी कि जब इवनिंग होगा तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले जो है भाई वो हो जाएगा 1 के ऊपर, और मॉर्निंग में फिर से डिस्प्ले चला जाएगा 5 के ऊपर। तो डिस्प्ले कंट्रोल यहाँ पे सॉफ्टवेयर से आपको प्रोवाइड किया है जो आपको नहीं मिलता है अमेज़फिट बीपीयू प्रो में। अगर बात करें दोनों की ब्राइटनेस की तो भाई यहाँ पे मुझे बोट का जो डिस्प्ले है थोड़ा सा बेटर लगा कंपेयर टू अमेज़फिट बीपीयू। तो भाई ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे विनर है बोट। अगर बात करें यहाँ पे रेस टू वेक की तो भाई यहाँ पे काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है अमेज़फिट बीपीयू प्रो का, और बोट जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होता है, लेकिन एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू प्राइस। अगर बात करें यहाँ पे वर्कआउट मोड की तो भाई आपको टोटल 64 टाइप्स ऑफ द वर्कआउट मोड मिलते हैं अमेज़फिट बीपीयू प्रो में। और भाई आप हर एक तरह की एक्सरसाइज यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, योगा हो, ट्रेडमिल हो, बॉक्सिंग हो या तो फिर स्विमिंग हो, भाई हर एक एक्सरसाइज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी गई है। बीपीयू प्रो इनबिल्ट GPS के साथ आता है, लेकिन भाई GPS लाने के अंदर आपको मीन्स काफ़ी वेट करना पड़ेगा। 1 मिनट यहाँ पे ऑलमोस्ट लग जाता है GPS को कैप्चर करने में। ऑन द अदर साइड बोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे 14 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी इनफ है। ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मेरे हिसाब से तो कवर हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे इनबिल्ट GPS नहीं मिलता है, लेकिन हेल्प ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ पे GPS का सपोर्ट ले सकते हो। और यहाँ पे मोबाइल के अंदर भी ट्रैकिंग होता है और साथ ही साथ स्मार्ट वॉच में भी। और यहाँ पे जब एंड करते हो तो भाई काफ़ी अच्छा वाला यहाँ पे GPS वाला मीन्स जो पाथ है वो जनरेट होता है, तो आपको GPS का भी मज़ा मिल जाएगा बोट वॉच एक्सटेंड में। दोनों ही वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है 5 ATM। तो भाई दोनों को आप बिंदास स्विमिंग पूल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर जिम के अंदर या तो फिर वर्कआउट में। तो बात करते हैं इसके सेंसर के ऊपर, सेंसर की एक्यूरेसी कैसी है। अगर बात करें हार्ट रेट सेंसर तो भाई जो बोट है काफ़ी क्विक डिटेक्ट करता है कि भाई आपने इसे वियर नहीं किया है। अमेज़फिट के अंदर भाई थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 20-30 सेकंड यहाँ पे लग गए, और उसके बाद यहाँ पे उसने डिटेक्ट किया है कि भाई जो आपका वॉच है वो प्रॉपरली वियर नहीं हुआ है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा मुझे। सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हूँ SPO2 को लेके भाई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी प्रॉपरली और टाइटली वियर किया है हमने अमेज़फिट बीपीयू प्रो को,
और जाते हैं SPO2 में। तो भाई मेज़र करते हैं और यहाँ पे बोला गया कि भाई रिमेन स्टिल, काफ़ी यहाँ पे हम रिमेन रहे हैं और ये वीडियो को हमने 20x पे फास्ट फॉरवर्ड किया है और मेरा जो SPO2 है वो आ रहा है 85%। उसके बाद सेकंड ट्राई किया कि भाई टेबल के ऊपर हमने यहाँ पे हाथ रखा है और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट किया है SPO2 मीटर। तो फिर से मेज़र करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो क्या और आता यहाँ है। पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे कोरोना नहीं है, मैं काफ़ी हेल्दी हूँ और हेल्दी पर्सन का जो SPO2 वो 95-100% के अंदर रहता है और यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिला वो है 82%। तो भाई जो सेंसर की एक्यूरेसी है भाई मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, काफ़ी इनएक्यूरेट SPO2 का यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी प्रॉपरली यहाँ पे मैंने वियर किया है फिर भी ऐसा यहाँ पे मुझे मिला है सेंसर। अगर आपको प्राइवेसी मैटर करती है तो आपको जाना चाहिए बोट में, जब आप मैसेज के ऊपर टैप करते हो तभी ये डिस्प्ले करता है कि अंदर क्या आपको मैसेज आया है, लेकिन Amazfit में ऐसा नहीं है। कॉलिंग के अंदर आपको थोड़ा और एक ऑप्शन मिलता है क्विक रिप्लाई टेक्स्ट का वाया Amazfit BPO Pro। दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको इनबिल्ट Alexa मिल जाता है। बोट के अंदर यहाँ पे एक बार टैप करना पड़ता है तभी ये लिसन मोड में जाता है, लेकिन BPO Pro में जैसे आप स्वाइप करते हो तो ऑलरेडी ये चला जाता है लिसनिंग मोड में। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है BPO Pro का वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। इनफैक्ट जो डिस्प्ले है मीन्स जो दिखाता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है आपको BPO Pro में। तो 10 में से 5 बार बोट जो है भाई सुनता नहीं है हमारी, Alexa के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है। दोनों के ही अंदर आपको UI जो है ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे लैगिंग की तो भाई ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर लगा, लेकिन फ्लूइड मींस काफ़ी जो स्मूथ बोलते हैं ऐसा आपको यहाँ पे मिल जाता है Amazfit में। काफ़ी स्मूथ UI है Amazfit का कंपेयर टू बोट। और हाँ, मे बी अपडेट के अंदर फिक्स हो सकता है, बोट का UI और भी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो सकता है। स्वाइप अप स्वाइप डाउन से दोनों के अंदर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं और आप यहाँ पे जो शॉर्टकट है उसको भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर आप यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, रेस टू वेक फंक्शन या तो फिर सेटिंग फाइंड माई फोन। तो ये सारे ऑप्शन दोनों ही स्मार्ट वॉच के अंदर अवेलेबल है। टाइमर, स्टॉप वॉच, तो ये सभी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मीन्स फंक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाते हैं। स्वाइप डाउन करते हैं या तो फिर स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो मेनू का जो UI है भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सिमिलर मिलता है, वेदर, म्यूजिक कंट्रोल या तो फिर Alexa एंड टाइम। और हाँ, जो साइड का बटन है वहाँ पे अगर प्रेस करते हैं तो मेनू जो है वो ओपन हो जाता है। और मेनू का जो ओपनिंग स्टाइल है वो ज़्यादा बेटर है Amazfit में। मेनू भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर लगा मुझे, दोनों ही ऑप्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर मिल जाते हैं कि भाई सेटिंग हो, फाइंड माई फोन, टाइमर या तो फिर अलार्म। सेटिंग के अंदर और भी थोड़े और ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं आपको। और मोर में जाते हैं तो भाई आपको यहाँ पे स्टॉप वॉच, वर्ल्ड क्लॉक, कंपास, बाकी सारे भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमने आगे देखा साइड बाय साइड कंपैरिजन में और यहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन है, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे चूज़ करना है विनर या तो फिर मैं आपको मेरी चॉइस बताऊँ तो भाई मैं जाऊँगा बोट वॉच X10 में। काफ़ी ह्यूज डिस्प्ले है गाइस, मीन्स काफ़ी मज़ा आ जाता है जब आप इसे वियर करते हो। और हाँ, यहाँ पे आपको जो प्राइस ड्रॉप है भाई काफ़ी धमाल का देखने को मिलता है। तो भाई ऑफ कोर्स यहाँ पे जो विनर है वो है बोट वॉच X10। और भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे कमेंट में बताइए आप और कौन सी वॉच के साथ इसका कॉम्पिटिशन देखना चाहते हो।